देखिए कुश्ती में अब नया दंगल शुरू हो चुका है। सरकार का WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पर चाबुक चला है और दो दिन पहले बनी नई कुश्ती संघ बॉडी निलंबित हो चुकी है। ब्रजभूषण शरण सिंह के दबदबे को जोरदार झटका लगा है। नए WFI अध्यक्ष बने उनके खासम खास संजय सिंह अब कोई फैसला ले नहीं पाएंगे। सरकार के फैसले के बाद WFI ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कानूनी रास्ता अख्तियार करने का फैसला लिया है। तो कैसरगंज के बाहुबली बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अपने अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पहुंचे हैं। सूत्रों के मुताबिक ब्रजभूषण सिंह 27 जुलाई को स्पीकर को इस्तीफा सौंप दिया था, ये जानकारी मिल रही है। बीजेपी ने उनसे इस्तीफा वापस लेने के लिए मना लिया और उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया, तो ये जानकारी मिल रही है। नव निर्वाचित भारतीय कुश्ती संघ निलंबित और आनन फानन में अभी पहुंच चुके हैं ब्रजभूषण शरण सिंह मिलने जेपी नड्डा से। खेल मंत्रालय ने WFI को निलंबित किया कर दिया। ये तमाम तस्वीरों को आपके सामने हम रख रहे हैं, 6 तस्वीरें हैं, इसके माध्यम से आप समझिए कि क्या कुछ हुआ। पूरे घटनाक्रम को जोड़ के सिलसिलेवार तरीके से सरकार का हंटर चला है यानी चाबुक चला है, हवा निकल गई है फिलहाल दबदबे को, ये कहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी तमाम प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुश्ती संघ निलंबित हो चुका है, खेल मंत्रालय की तरफ से ये फैसला ले लिया गया है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी फैसला अभी तक जो लिया गया है, जो नए निर्वाचित अध्यक्ष बने थे, वो फैसले पर रोक लागू तत्काल प्रभाव से और कोर्ट जाएगा WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। और इसी बीच जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। जब पूछा गया संजय सिंह से, पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या कहेंगे इस प्रतिक्रिया पर, तो कोई अभी उन्होंने प्रतिक्रिया दी नहीं। उन्होंने कहा कि अभी इंतजार करेंगे, लेटर मुझे मिलेगा, जो जानकारी मिलेगी उसके हिसाब से हम स्टेटमेंट देंगे। ये तस्वीरें तो फूलमाला के साथ संजय सिंह, स्वागत तो हर जगह हो रहा है लेकिन देखिए जरा ये तस्वीर। चलिए कुछ जानकारी जल्दी से आपको पहुंचा देते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के काफी करीबी हैं सहयोगी, जबकि जो रेसलर्स हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि इतने करीबी हैं कि बेटे से भी ज्यादा। और ब्रजभूषण के इस्तीफे के बाद चुनाव लड़ा इन्होंने संजय सिंह ने और पोस्टर्स भी सामने आ गए, दबदबा था है और रहेगा। और फिलहाल उसी दबदबे पर निशाना भी साधा गया है और बताया गया है कि दबदबा किसका कायम है। WFI के नए अध्यक्ष चुने गए, अब आगे देखने वाली बात होगी कि और एक्शन क्या होता है, क्या कुछ बाद में चुनाव फिर से होगा, इसको मान्यता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि ये निलंबित हो चुके हैं और साथ ही फेडरेशन ऑफ इंडिया, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये भी निलंबित। कोई भी अभी प्रभाव, तत्काल प्रभाव से जो फैसले लिए जाएंगे वो लागू नहीं होंगे। तो दंगल के दो किरदार हैं, WFI के अध्यक्ष रहे विवादों में, अब महिला पहलवानों ने इन पर आरोप जड़ दिए, तमाम संगीन आरोप लगाए गए। वो आप पिछले साल भर से मान लीजिए कि वो सब कुछ चल रहा था फरवरी से जनवरी से, लेकिन एक स्पेशल रिपोर्ट आप सभी के लिए हमने तैयार की है, रखते हैं देखिए जरा। दबदबा था, दबदबा रहेगा। अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ। ये खुशी, ये फूल मालाओं का जोश 3 दिन भी टिक नहीं पाया। ब्रिजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष तो चुन लिए गए, लेकिन 3 दिन बाद ही खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को ही सस्पेंड कर दिया। इस तरह संजय सिंह बतौर कुश्ती महासंघ अध्यक्ष सस्पेंड हो गए। नए कुश्ती संघ की सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी। खेल मंत्रालय ने यह फैसला संजय सिंह के कुछ ताबड़तोड़ लिए फैसलों के बाद लिया। देखिए अभी मैं फ्लाइट में था, अभी मुझे बहुत डिटेल पता नहीं और उसका लेटर मुझे नहीं मिला है। वो लेटर लेने के बाद मैं उसको देख लेता हूँ, फिर बताता हूँ मैं उस पे आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बस धन, अभी कोई कमेंट नहीं, अभी कोई कमेंट नहीं, पहले मुझे देख लेने। केवल एक सुनने में जो आया कि एक्टिविटी पे मेरे रोक लगाया है, तो अब क्या एक्टिविटी पे रोक लगाया क्या नहीं है तो उसको मैं अभी देख लेता हूँ, उसके बाद करता हूँ, अभी कोई कमेंट नहीं। केवल एक्टिविटी पे जो सुनने में आया कि एक्टिविटी पे रोक लगाया गया है। संजय सिंह ने इस साल के आखिर में ही अंडर 15 और अंडर 20 नेशनल जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप कराने का ऐलान कर दिया था और वो भी गोंडा में जो ब्रिजभूषण का इलाका है। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ के सस्पेंशन के अपने फैसले के पीछे दलील दी कि नेशनल चैंपियनशिप का फैसला जल्दबाजी में किया गया, उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, नया संघ पिछले पदाधिकारियों के नियंत्रण में लगता है।
पुराने पदाधिकारियों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे। खेल मंत्रालय के फैसले के बाद आज तक ने मुहिम छेड़ने वाले दो पहलवानों विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया से बात की। उन्होंने फैसले को लेकर खुशी जताई। जो भी ये निर्णय लिया गया है बिल्कुल ठीक लिया गया है, क्योंकि जो हमारी बहन बेटियों के साथ हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, जो दुराचार हो रहा है, ऐसे लोगों का एक रेसलिंग फेडरेशन है, सभी फेडरेशनों से सफाया होना चाहिए। हम एज ए रेसलर भी लगा लीजिए, एज ए वुमन खिलाड़ी लगा लीजिए, अगर हम हार रहे हैं तो देश की महिलाएं, मतलब किसी भी फील्ड में लगा लीजिए, आवाज उठाने में बहुत सालों लग जाएंगे। हम स्टार्टिंग से ये बात कर रहे हैं, WFI में कोई ऐसे लोग आने चाहिए जो मतलब रेसलर्स के लिए भी अच्छा हो, खासकर महिलाओं के लिए अच्छा हो। हमारी लड़ाई सिर्फ यही है कि महिलाएं सुरक्षित होनी चाहिए। जो हम लोगों ने जो झेला है इतने सालों तक, वो आने वाले बच्चे ना झेलने। बस गोंडा में नेशनल चैंपियनशिप कराने को लेकर महिला रेसलर साक्षी मलिक ने सवाल उठाए थे। साक्षी ने कहा था कि क्या गोंडा के सिवाय कहीं और नेशनल चैंपियनशिप नहीं करवाई जा सकती। बतौर नए कुश्ती संघ अध्यक्ष संजय सिंह के चुनाव के बाद साक्षी ने संजय सिंह पर भी आरोप लगाए थे और कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया था। अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका जो उसका बिल्कुल सही होगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद। कुश्ती संघ के सस्पेंशन के बाद सियासी बयानों की भी बाढ़ आ गई। देर से पर एक उम्मीद की किरण जरूर जगी है कि पहलवानों को इंसाफ मिलेगा। प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर वार करते हुए कहा कि बेशर्मी की हदें पार करने के बाद चलो कुछ तो लाज और शर्म महसूस हुई। कुश्ती संघ का निलंबन तो हो गया, अब देखना यह होगा कि महीनों से पटरी से उतरी भारतीय कुश्ती क्या पटरी पर आ पाएगी। राहुल रावत के साथ आज तक ब्यूरो।